फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माय डियर दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिक्स एंड मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सबको एक कंफ्यूजन रहता है कि सर कंपनियों में बिल्डिंग को डिजाइन कैसे करते हैं, मुझे जाना है कंपनी में बट कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा कि किस तरह से डिजाइन करेंगे वहां पर जाके। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है और कैसे आप कंप्लीट सीख सकते हो। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं कि क्या क्या आना चाहिए आपको। तो आपको बता दूं कि कंपनियां जो डिजाइन करती हैं वो STAAD.PRO और RCDC से डिजाइन करती हैं। किससे? STAAD.PRO और RCDC से डिजाइन करती हैं। और उसके जो चेक्स होते हैं, मतलब जो डाटा आया उसको चेक करना पड़ता है ना, तो चेक करने के लिए जो यूज करती है वो या तो एक्सेल शीट यूज करेंगे या फिर मैनुअल कॉन्सेप्ट यूज मैनुअल डिजाइन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब एक तो हो गया STAAD.PRO और RCDC, और एक तरफ कौन आ गया, एक तरफ आ गया आपका एक्सेल और मैनुअल आ गया। चलिए अब बात करते हैं कि STAAD.PRO और RCDC में क्या क्या आना चाहिए आपको अगर कंपनियों में डिजाइन करना है। तो कई लोगों ने सीख रखा होगा बट अगर आपको SFD, BMD, डिफ्लेक्शन, एक्सियल लोड का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो फिर आपका सबसे प्राइमरी चीज गैप जा रहा है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आपको मटेरियल की डेंसिटीज नहीं पता है कि सीमेंट की कितनी डेंसिटी है, RCC की कितनी है, PCC की कितनी है, स्टील की कितनी डेंसिटी है, ब्रिक की कितनी है, फ्लाई ऐश ब्रिक की कितनी डेंसिटी का नॉलेज नहीं है, तो फिर आपका दूसरा डाउन जा रहे हो। तीसरी चीज, आपको IS कोड का नॉलेज है क्या? आप बोलोगे सर कौन कौन से IS कोड, मिनिमम आपको IS 456, IS 800, IS 875 के पांचों पार्ट, IS 1893, IS 13920 मतलब डक्टाइल डिटेलिंग के लिए, और IS 1893 होप आपको पता होगा सेस्मिक डिजाइन के लिए, और 875 डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और लोड कॉम्बिनेशन, और उसके बाद स्नो लोड के लिए, उसके बाद 800 स्टील लोड के लिए, मतलब स्टील डिजाइन के लिए, और RCC के लिए IS 456। तो ये इंपॉर्टेंट कोड मिनिमम आपको आने चाहिए, इसके की पॉइंट्स आने चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें मुझे पढ़ना चाहिए, जैसे कि उसमें सीमेंट के ग्रेड्स हैं अलग अलग, M20 का क्या रेशियो होता है, M25 का क्या, मतलब IS कोड में इसका निचोड़ आपको आना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़ना चाहिए। चलिए ये क्लियर होने के बाद आपको देखना चाहिए कि क्या जब मैं डिजाइन करने जाता हूं तो जब विंड लगाते हैं, फिर जब सेस्मिक लगाते हैं, तो इसको क्या मैनुअल में कैलकुलेट कर सकता हूं क्या फॉर्मूले से, VV K1 K2 क्या होता है, K3 क्या होता है, पता है क्या सेस्मिक के जोन्स क्लियर है क्या कि कितने जोन है इंडिया में, हम किस जोन में लोकेटेड है, इस जोन के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, विंड भी पता होना चाहिए आपको, सेस्मिक भी पता होना चाहिए। चलिए कल ही एक प्रॉब्लम आ रही थी, ओवर स्ट्रेस हो रहा था एक बीम में, तो ओवर स्ट्रेस को कैसे कम करेंगे या फिर आसान भाषा में बताओ, तो टॉर्जन अगर आपके पास ज्यादा बिल्डिंग में डेवलप हो गया तो क्या करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे हम लोग सीयर वॉल लगाते हैं। अब जब सीयर वॉल वर्ड का नाम लेता हूं मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि टॉपिक ज्यादा है, कम समय में हमको करना होता है क्योंकि यूट्यूब के लोगों का पेशेंस कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तो पूरा देखेंगे डेफिनेटली क्योंकि आप लोगों ने यहां तक देखा है। चलिए तो सीयर वॉल, अब सीयर वॉल को जब लगाते हैं तो इसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है, कौन से टाइप्स का सीयर वॉल हमको कहां लगाना चाहिए, पता है क्या, नहीं पता है, फिर आपका जो STAAD.PRO हमने सीखा है वो फिर वहां पर आपको काम करना पड़ेगा, पहले एक बार फोकस करके उसको सीखिए। अब इसके बाद बात करता हूं दोस्तों कि अब जब ये सब आपने देख लिया, उसके बाद जब आप लोग जा रहे हो तो लोड कॉम्बिनेशंस लगाते हो, लोड कॉम्बिनेशन कैसे लगाते हैं, ऑटोमेटिक कैसे लगाते हैं और खुद से क्रिएट करके कैसे लोड कॉम्बिनेशन लगाते हैं, पता है क्या, पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो मामला गड़बड़ है। चलिए इसके बाद बात करता हूं कि अगर आपको मूविंग लोड दे दिया गया तो मूविंग लोड को किस तरीके से लगाओगे, मूविंग लोड को किस तरह से लगाओगे, इस चीज के बारे में आपको नॉलेज है क्या। चलिए आपने एनालिसिस कर लिया, उसके बाद डिजाइन किया, तो उसमें सैगिंग आ रही है फिर हॉगिंग आ रहा है, आपको पता है क्या कि मैक्सिमम सैगिंग कितना होना चाहिए, मिनिमम हॉगिंग कितना होनी चाहिए, मतलब सैगिंग और हॉगिंग का क्राइटेरिया आपको पता है क्या, RC डिजाइनर से आप चेक कर सकते हो क्या कि कितनी सैगिंग आ रही है बीम में, ये चल जाएगा कि नहीं चलेगा, पता है क्या, नहीं पता है इसको चेक करो। चलो इसके साथ ही साथ आपको पता है मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए आपके मेंबर को डिजाइन करते टाइम, मैक्सिमम स्टील कितना होना चाहिए, पता है क्या, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों ने जो डिजाइन कर रखा है उस डिजाइन का क्या आप STAAD फाउंडेशन के थ्रू इन आप उसकी फाउंडेशन की डिटेलिंग कर डिजाइनिंग कर सकते हो क्या, मतलब उसमें आइसोलेटेड फुटिंग कर सकते हो आप, उसमें पेडिस्टल्स यूज कर सकते हो क्या, क्या आप उसके अंदर कंबाइंड फुटिंग डिजाइन कर सकते हो क्या, क्या आप उसके अंदर पाइल कैप की डिजाइन कर सकते हो क्या, अगर हाँ तो वेरी गुड, नहीं तो उसको पढ़ लो। चलिए तो इस तरीके से STAAD फाउंडेशन को भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास जो ड्राइंग आ चुकी है, ठीक है, आपने उसको इंपोर्ट कर रखा है, अब उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे मिलाना है,
उसके जो एरर्स आ रहे हैं, ढेर सारे एरर्स आते हैं कभी कभी, तो वो एरर सॉल्व करना आता है क्या? जो वार्निंग्स आती है वार्निंग सॉल्व करना आता है क्या? अगर हाँ तो वेरी गुड, नहीं तो सीखो। इसके बाद आपके पास जो स्टैट प्रो का जो डाटा सीट आती है, जब डिजाइन करते हो तो एक सीट आती है ना, उस सीट को रीड करना आता है क्या? ठीक है, रीड करना बहुत जरूरी है। तो रीड कैसे करेंगे, उसको पढ़िए। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको आना चाहिए स्टैट फाउंडेशन, सॉरी आरसीडीसी। अब आरसीडीसी से क्या होता है भाई, आरसीडीसी से कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो आपने वहां पे एनालिसिस किया है स्टैट प्रो में, उसकी डिटेल्ड ड्रॉइंग्स आरसीडीसी से क्रिएट होती है। किससे क्रिएट होती है? आरसीडीसी से। क्यों भाई? क्योंकि लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ड्राइंग को सबमिट करना पड़ेगा ना किसी को। ठीक है, ड्राइंग को सबमिट कैसे करना है उसके बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो बने, एक फॉर्मेट दिखाया था कि किस तरीके से कर सकते हो, तीसरा चौथा वीडियो है, आप वीडियोस में जाके चेक कर लो कि किस तरीके से स्ट्रक्चर की ड्राइंग को देते हैं। तो आपको ड्राइंग क्रिएट करना है, किस चीज किस चीज का, फुटिंग का करना है, स्लैब का करना है, बीम का करना है, कॉलम का करना है, कैसे करेंगे इसको प्रॉपर, आपको आरसीडीसी से कंप्लीट आना चाहिए। सो दैट, क्योंकि हमने सीख लिया, अब सामने प्रेजेंट करना है, अगर वो नहीं हुआ तो सब गड़बड़ है ना, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको डायनेमिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब उसमें रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस कब करते हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज है क्या? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज के इंडस्ट्री की डिमांड है। अगर जोन 5 में स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, जोन 5 में स्ट्रक्चर आ गया, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो जोन 5 में है। तो ये सारी चीजें आपको छोटी 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 चीजें हैं, बट क्या आपको आ रही है क्या? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रही तो इसके मैं कंप्लीट कोर्स बनाया हूं जो कि 2 मार्च से चल रही है, आप सब उसमें इनरोल कर सकते हो, और उसके लिए मैंने ज्यादा फी भी नहीं रखा है। कंप्लीट आरसीडीसी, कंप्लीट स्टैट प्रो, कंप्लीट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, इसका कंप्लीट एक बैच, लगभग 45 से 50 दिन का बैच है जो मैंने किया हुआ, उसका सिलेबस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जितना बताया इससे भी कहीं ज्यादा उस सिलेबस में है, आप जाके चेक करो उस सिलेबस को और उसको इनरोल कर सकते हो। 5 के उसकी फी ओनली रखी है, और उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9792621121, 9792621121, तो उसको इनरोल कर लो और इनरोल करके उसको कंटिन्यू सीख लो, क्योंकि 2 मार्च मतलब परसों से ही स्टार्ट है शायद। ओके, अब बात करते हैं आपका, चलो स्टैट प्रो, आरसीडीसी और स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट हो गया आपका, क्या क्या आना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सेल सीट की और मैनुअल कॉन्सेप्ट की। तो देखो यार, ऐसे तो मैनुअल बहुत, मैनुअल डिजाइन की तो ऐसे तो मैनुअल बहुत है, बट आपको बीम का, कॉलम का, स्लैब का और फुटिंग का तो मिनिमम आना चाहिए, स्टेयरकेस का, और इन सब का तो आपको मिनिमम डिजाइन आनी चाहिए ना, मैनुअल डिजाइन, ओवरहेड टैंक आना चाहिए। तो ये डिजाइन मैनुअल एज वेल एज एक्सेल शीट से कैसे करेंगे, इसका भी मैं कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूँ 15 मार्च से। कितने मार्च से? 15 मार्च से। ये लगभग 20 दिन का कोर्स होगा, और ये कोर्स मैंने जो फी रखा है इसका भी बहुत कम रखा है, ओनली 1500 रखा है, सो दैट कि आप कंप्लीट स्ट्रक्चर का सारा कॉन्सेप्ट सीख जाओ, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि परफेक्ट कर देगा। क्यों? जिसको स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, स्ट्रक्चर का पूरा स्टैट प्रो क्लियर हो, आरसीडीसी क्लियर हो, एक्सेल सीट क्लियर हो, और उसके बाद मैनुअल डिजाइन क्लियर हो, क्या क्या कमी रह गई भाई, सब कुछ तो हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कोर्स शायद अगर आपने सही से सीख लिया तो आपकी लाइफ को बना सकते हैं, और कोर्स न भी सीखा अगर आपने स्टैट प्रो सीखा है तो मैंने जितने टॉपिक बताए हैं सारे टॉपिक को रिवाइज कर लो। इसमें एपीएम कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अब आपको एपीएम कॉन्सेप्ट, फाइनेंट एलिमेंट मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों करते हैं, उससे क्या पता चलता है, ये सभी आपको पढ़ना चाहिए स्टैट प्रो के साथ। तो मेरा हमेशा फोकस होता है सॉफ्टवेयर तो सीखो, बट सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में जाओगे भाई तो वहां पर क्या पूछेंगे आपसे, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, न कि आपके क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के बारे में हो सकता है आपको कैट टेस्ट दे देंगे, हो सकता है एक फाइल दे दें, बोले कि इसके एनालिसिस करके दिखाओ, दैट विल बी ओके, बट पहला प्रेफरेंस क्या होगा, अच्छा ठीक है आपको सेस्मिक रोड लगाना आता है, सेस्मिक क्या बोलते हैं कितने जोन है, उसके फैक्टर्स कितने हैं, अच्छा ठीक है, ऐसे भाई जी क्या है, अच्छा ओके, टू आर, आर क्या है उसमें, आर का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या होती है, ऐसे ऐसे ढेर सारे मैटर, ऐसे मेरा बिल्डिंग क्या होती है, ओएमआर बिल्डिंग क्या होती है, स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग जिसका कंक्रीट ग्रेड M25 से ऊपर या M25 का यूज हो रहा हो, OMR मतलब ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम जिसका जो ग्रेड है वो M20 या उसके नीचे के ग्रेड M15 पे डिजाइन हो रहा हो, तो वो OMR बिल्डिंग है, इसका फैक्टर 3 होता है, इसका फैक्टर 5 होता है, पता है डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग RCC में 5% रखना चाहिए, स्टील में कितना रखना चाहिए, 2% रखना चाहिए, ये पता है क्या, ये सारी चीजें स्टील में आनी, सॉरी स्टैट में आनी चाहिए। तो हमें पहला फोकस करना है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट
क्यों कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टूल तो फिक्स है ना यार, टूल तो हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, बट हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कोर्स को जो आपको कंप्लीट कोर्स सिखाओगे इसमें G+5 तक आप किसी को भी आराम से डिजाइन करके दे सकते हो, ये तो 110% फिक्स है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स लड़के डिजाइन कर रहे हैं, लोगों ने अपनी कंपनी खोल रखी है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार कर लेंगे, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं ऑलरेडी, कैटेगरी सारे बच्चे भी कोर्स चल रहा है, फिर भी वो फ्रीलांसिंग काम लेके अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसे लगा जरूर बताना, सिलेबस मैंने सारा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाके सिलेबस भी चेक करना, अच्छा लगे तो उसको यार दोस्तों के साथ शेयर करना तो और अच्छी बात होगी। चलिए जय हिंद जय भारत।